Hi there friends, welcome to the channel Techie Vendor. Hope you all are good. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंड्स, रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेटिव इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियो एन और बाकी भी जो सारे फीचर्स हैं स्कॉर्पियो एन में, वो मैं आपको बताता हूँ. मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये टॉप एंड वेरियंट्स में है, मतलब Z6, Z8 ऑनवर्ड्स में है. Z4 वगैरह और Z2 के जो फीचर्स रहते हैं, मतलब इन्फोटेनमेंट के और डिस्प्ले वगैरह के, वो थोड़े से इससे अलग रहते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ अंदर के Z6 और Z8 के जो भी सब वेरियंट्स हैं उन सब में क्या क्या आपको ये रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ. सो नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम, हम स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को. तो मैं आपको लेके चलता हूँ फटाफट सिस्टम के पास. तो आप ये देख सकते हो, ये इसका फ्रेंड्स इन्फोटेनमेंट सिस्टम है. मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छा व्यू आ जाएगा. ये इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम है फ्रेंड्स. प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा बना पाऊँगा ऐसा सब वीडियोस. और महादेव आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे. आप देख सकते हैं हर हर महादेव, तो महादेव को भी आप देख लो. महादेव आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे. आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी भी सारी जो भी आपकी मनोकामना है वो पक्का पूरी होगी. तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे. अब हम इन्फोटेनमेंट सिस्टम पे वापस आते हैं. आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या रहता है. ये ऐसा सा इसका ये डिस्प्ले रहता है. इसमें रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो. आप देख सकते हो एप्पल कारप्ले में भी आपको काफ़ी सारे इसमें अंदर ये सब मिल जाता है, टेलीग्राम वगैरह और व्हाट्सएप वगैरह इसमें सारा मिल जाएगा आपको. म्यूज़िक एंड मैप्स अगर आप खोलना चाहते हो, गूगल मैप्स बहुत इसका इन्फॉर्मेटिव रहता है. आप देख सकते हो अच्छा रहता है, इसमें सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन रहती है. ओके, और बहुत टू द पॉइंट और प्रिसाइज है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं इसको. बाकी ये सब रहता है इसमें. आप ये भी देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ है इसमें अच्छी है जो लगती है मुझे. ये हैंग बहुत करता है, बट दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, बहुत ज़्यादा हैंग होता है ये जो इसका एप्पल कारप्ले है ना, वो बहुत ज़्यादा हैंग होता है. तो आप देख रहे हो अभी के अभी ही ये हैंग हो गया. तो ये हैंग का इशू तो इसमें रहेगा ही, ठीक है. इससे ज़्यादा आप महिंद्रा से एक्सपेक्ट मत ही करो तो बेटर है. बाकी एप्पल कारप्ले हो गया, एंड्रॉयड ऑटो हो गया. एंड्रॉयड ऑटो मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि आई हैव एप्पल फ़ोन, तो आई डोंट यूज़ एंड्रॉयड ऑटो. इसमें ये रेडियो है, रेडियो को मैं अभी प्ले नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशूज, ठीक है. रेडियो तो जैसे रहता है वैसे ही होता है. उसके बाद ये म्यूज़िक वगैरह अगर आप USB वगैरह कनेक्ट करते हो तो ये रहता है इसके अंदर, ठीक है. और फ़ोन से कॉलिंग वगैरह करने का सब फीचर रहता है, जो भी आप कॉल वगैरह कर रहे हो तो इससे इसके थ्रू कर सकते. नेविगेशन इसके अंदर इनबिल्ट भी है, मैपल्स की रहती है. मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ. इसके अंदर इनबिल्ट एप्लीकेशन भी है, वो मैपल्स की है. देखो वो इतनी प्रिसाइज नहीं है, आई डोंट यूज़ इट टू मच, बट ठीक है. इसमें एक बेनिफिट है बस कि आपको अगर जैसे आपका वो रहता है ना, क्या कहते हैं, जहाँ पर स्पीड कैमरा वगैरह लगे हैं या ऐसे है, वो सब आपको इसमें ये बता देगा कि कहाँ कहाँ लगे, ठीक है. तो ये तो इसका इन्फोटेनमेंट हो गया. एप्लीकेशंस वगैरह भी रहते हैं इसमें, ये सब रहते हैं जो मैं तो कभी खासी यूज़ करता नहीं है, ये करता नहीं हूँ. ये सब तो आईफोन से ही यूज़ हो जाता है, सब चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है. बाकी ये सब बटन्स रहते हैं इसके अंदर. ये AC का कंट्रोलर है, ये हीटर को करने के लिए. AC बहुत ही पावरफुल है, अच्छा है. ये ऐसा स्क्रॉलर टाइप का है फॉर लाइक चेंजिंग द रेडियो स्टेशंस, ये वॉल्यूम अप डाउन करने का है. ये सब बटन्स कनेक्टेड टू द स्क्रीन ही है, बट आई यूज़ द टच ओनली, तो मैं बटन्स को यूज़ नहीं करता. ये SOS फीचर है, जो भगवान ना करे कभी किसी को यूज़ करने की जरूरत पड़े, ठीक है. ये फ्री बटन रहता है. ये Z6 मॉडल है, ऐसे ही रहेगा आपको Z8 और Z8L में भी. दो चार एडिशन उसमें होते हैं, मैं आपको अभी इसका बता रहा हूँ, ठीक है. ये ऑटोमेटिक स्विच ऑन स्विच ऑफ कार का है, जो बहुत ही पिसिंग ऑफ लगता है मुझे, मतलब बहुत ही इरीटेटिंग लगता है मुझे ये. तो ये मतलब ऐसे ही रहेगा, ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते. मतलब जब भी कार आपकी स्विच ऑफ होएगी, मतलब इंजन, मतलब कहीं पे आप रेड लाइट पे ब्रेक करोगे तो कार अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगी. तो मुझे तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसे बार बार बंद करना पड़ता है देखो ऐसे. उसके बाद ये ट्रैक्शन का है, लाइक अगर आप गड्ढे वगैरह बहुत सीवियर गड्ढों में है तो आप इसको ट्रैक्शन को ऐसे आप करोगे तो ये देखो ट्रैक्शन ऐसे इसमें बना आ जाएगा. देख रहे हो आप डिस्प्ले में, ये देखो ट्रैक्शन ऐसे बना इसमें आ जाता है, ठीक है. उसके बाद ये हिल डिसेंट है, अगर आप हिल से नीचे उतर रहे हो गाड़ी लेके तो इसको आप यूज़ करोगे तो ये देखो कैसे हो जाएगा. आपको दोनों दिखाता हूँ मैं. ये मैंने दबाया, ठीक है, ऐसे रहेगा, ये ऐसे ऑन हो जाएगा. और हिल डिसेंट मतलब आप उतर रहे हो गाड़ी तो आपको गाड़ी भागेगी नहीं एकदम से. ये ड्राइव मोड है, ड्राइव मोड तो सबको ही पता है, जैप जैप जूम करने के लिए ये, ठीक
ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे भी अच्छा है काफ़ी, मतलब जितना महिंद्रा दे सकती थी इस रेट में उन्होंने दिया है। तो आप देख सकते हो ये सब है इसमें, ये सारा म्यूज़िक सिस्टम का कंट्रोलिंग के बटन वगैरह हैं, सॉरी म्यूज़िक सिस्टम के नहीं है ये, हाँ म्यूज़िक सिस्टम भी है इसमें, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए भी है और सीक करने के लिए भी है म्यूज़िक सिस्टम को। बाकी आप कॉल्स वगैरह भी इसमें ऐसे अटेंड कर सकते हो सारा बटन से, ठीक है। SRC है ये सब है। उसके बाद ये अप डाउन करने के लिए है, ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा फीचर्स है इसके अंदर। ये देखो अप डाउन आप इससे कर सकते हो, ड्राइव इन्फो आएगा, सॉरी इस वाले से ड्राइव इन्फो आएगा, कॉल ये अलर्ट हिस्ट्री, फ्यूल इन्फो, फ्यूल इन्फो में आपको एवरेज वगैरह बता देगा, ये देखिए एवरेज बताएगा आपको कार की, देखो 10 की एवरेज आ रही है, बहुत ही बेकार है जो, जबकि मैं काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली चलाने की कोशिश करता हूँ, बट तो फिर भी ये यूज़लेस ही है, एवरेज नहीं देगी ये गाड़ी, ठीक है। बाकी आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ, क्या क्या फ्यूल इन्फो डिजिटल स्पीड को अगर करने की गाड़ी के लिए, मतलब इसमें ये डिजिटली शो करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद DEF लेवल 63 आ रहा है, चलो उसके बाद डिजिटल स्पीड हो गया। व्हीकल इन्फो, आप व्हीकल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, जैसे कितना चली है, क्या है, और पावर और टॉर्क के बारे में भी आप जान सकते हो इससे ही। नेविगेट अगर आप करना चाहते हो, ये मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, इसमें भी आपको नेविगेशन शो हो जाएगी, बार बार ये डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, महिंद्रा इज़ महिंद्रा, ठीक है। तो नेविगेशन भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ऐसा सा रहेगा, देखो अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट वो करने नहीं देगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे बार बार चला जाता है। एनी हाउ कोई बात नहीं, इतने में इतना ही देते हैं महिंद्रा वाले। तो उसके बाद सेटिंग वगैरह भी अगर आप करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें देखो, क्लॉक टाइप वगैरह ये सब है, और ये अलर्ट हिस्ट्री या ड्राइव इन्फो वगैरह फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। तो फ्रेंड्स ये सब है, तो प्लीज़ मैंने आपको सारा बता दिया इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, बटन्स कंट्रोलर्स के बारे में, स्टीयरिंग कंट्रोलर्स के बारे में भी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हेल्प मी ग्रो, और महाकाल में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, और प्लीज़ हेल्प मी इन ग्रोइंग, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई कैन ऑल्सो ग्रो, और आप भी ग्रो करेंगे अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो महाकाल और महादेव आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।